हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो लेके, जो कि है महा मुंबई एरिया की, जिसको न्यू मुंबई से काफ़ी ज़्यादा टच है। और यहाँ पे जो है आप देखिएगा तो एयरपोर्ट जो नया डेवलप हो रहा है, वो एयरपोर्ट हमारे बैक साइड में दिख रहा है। सारे जो काम चल रहा है यहाँ पे, वो एयरपोर्ट का चल रहा है। हमारे जस्ट सामने अपोजिट में देखेंगे यहाँ पे, ये उल्वे सिटी है। उल्वे सिटी की हम थोड़ी सी स्टोरी आपको बताते हैं कि एक टाइम ये था कि उल्वे सिटी के लिए जब लोग कहते थे यहाँ पे कि भाई ये ज़मीन है, यहाँ पे आप खरीदिए, इसके ठीक सामने यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है, तो लोगों को बिलीव नहीं होता था। पर प्रेजेंट टाइम में ज़मीन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सामने काम चल रहा है, इधर एयरपोर्ट का सामने उल्वे सिटी में काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें बनी हुई हैं। जिस टाइम यहाँ का रेट जो दिया जा रहा था, जो ज़मीनें दी जा रही थी, जो प्रेजेंट टाइम में हम ज़मीन आपको दिखाने वाले हैं, उस प्राइस में तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि यहाँ पे इतना अच्छा डेवलपमेंट आने वाला है, यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है। बट प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखिएगा, आप उल्वे सिटी में अगर आप कहीं से भी कोई शॉप खरीदने जा रहे हैं, तो आपको प्रेजेंट टाइम में हाई रेट में आपको यहाँ पे एक दुकान मिलने वाली है। तो इससे बेहतर है कि आप प्रेजेंट टाइम में, जैसे यहाँ पे जो हमने आपको एग्जांपल दिया है, आगे आने वाले टाइम में जो प्लॉट्स मिल रहे हैं एक अच्छे प्राइस के अंदर में, कम से कम प्राइस में जो है यहाँ पे प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, जो कि प्राइस हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और हमारे साथ में महेश भाई आपको बताएंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे कौन कौन सी ज़मीन आपको मिल रही है, किस किस प्राइस में मिल रही है, क्या क्या एडवांटेज है यहाँ पे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विट प्लेटफॉर्म। एवरीवन, मेरा नाम महेश है। मैं ज़मीन प्राइवेट लिमिटेड में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के पोस्ट पे वर्किंग हूँ। और जैसा कि आपको सैयद सर ने बताया, मेरे बैक साइड में एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, यहीं पे बन रहा है पूरा नई मुंबई इंटरनेशनल कार्गो प्लस पैसेंजर विद डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ये टोटली एयरपोर्ट जो बन रहा है 7,500 एकड़ के लैंड पार्सल में बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट का। और आप देख सकते हैं कि पूरा एयरपोर्ट का जो काम चल रहा है, ये टोटली 4 फेज में काम होगा। फर्स्ट फेज का काम आपका सितंबर 2024 को कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो एयरपोर्ट में कम से कम आपको ये जो वैलीज दिख रहे हैं, ऐसे 11 वैलीज थे टोटली, ये कटिंग करके लेवलिंग की है एयरपोर्ट के लिए। और जाहिर सी बात है, इसमें भी एक 14-15 विलेज थे जिनको रीडेवलपमेंट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, सिडको की तरफ से, उल्वे में और पनवेल के पुष्पक नगर करंजाड़े में। और जैसे कि सैयद भाई ने जो आपको पहले बताया था कि उल्वे सिटी एयरपोर्ट के एग्जैक्ट सामने जो आपको अभी उल्वे सिटी एट प्रेजेंट दिख रही है, ये कभी पहले यहाँ पे भी खेती होती थी। एक 10 से 12 साल पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड्स थे, ग्रीन जोन था पूरा। लेकिन जैसे एयरपोर्ट 2002 में सैंक्शन हुआ, तो 2011 के बाद सिडको ने यहाँ पे प्लानिंग वेल प्लान सिटी बनाने का तय किया और यहाँ पे U2 जोन मतलब अर्बनाइजेशन जोन डिक्लेयर करके यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट किया। सेक्टर वाइज प्लानिंग के हिसाब से एक डेवलपमेंट हुआ है। तो आज जो आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, तो आप अगर अभी भी यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है, बट यहाँ पे जो प्लॉट्स है वो डेवलप प्लॉट्स है, जो अभी डेवलप हो चुके हैं, जो सिडको के तरफ से इनको रोड, ड्रेनेज लाइन, बाकी आपका जो भी पानी, वाटर कनेक्शन, ये सब मिल चुका है। तो आप अगर 100 मीटर का मतलब एक घंटे का भी प्लॉट लेने जाओगे, तो 1,30,00,000 और 1.5 करोड़ के आसपास इसका रेट चल रहा है। जो डेवलपमेंट के पहले कुछ हम जो आपको लोकेशन दिखाने वाले हैं, जहाँ पे हम अभी प्लॉट सेल कर रहे हैं एयरपोर्ट से 10 मिनट के डिस्टेंस पे, अप्रोक्सीमेट 4.5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे अभी जो रेट चल रहे हैं आपके, वही रेट कभी 8 से 10 साल पहले उल्वा सिटी के थे, मतलब यहाँ पे अनडेवलपमेंट था तभी के। तो यही बेनिफिट है कि आप अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ज़मीन वालों के साथ आप जा सकते हो। और एयरपोर्ट के नियर बाय में एक हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस पे आप आपके ड्रीम प्लॉट आप चूज़ कर सकते हो और एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जैसे कि सैयद भाई ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सीलिंग MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, तो एक
हार्डली यहाँ से एयरपोर्ट से सीलिंग जो जहाँ पे जंक्शन कर रहा है चिरले जंक्शन, वो डिस्टेंस सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, मतलब हार्डली 2 किलोमीटर। तो वो भी हम देख लेंगे, अभी अभी उसका भी आपको डेवलपमेंट पूरा कैसे कहाँ से आ रहा है कितने किलोमीटर का वो भी हम बताएंगे। तो हम अभी आगे के लोकेशन पे और अपना प्लॉट देखने जाएंगे सैयद भाई के साथ, जुड़े रहिए, थैंक यू। जय हिंद। मेरा नाम कैसर मोहम्मद है और मैं ज़मीन वाले प्राइवेट लिमिटेड का ऐड देखा, काफ़ी खुशी हुई, मतलब जहाँ पर भी गया उनका ऐड सबसे ज़्यादा देखा, लोकल ट्रेन में, इवन मैं लद्दाख में था तो वहाँ पे यूट्यूब पे इनका ऐड देखा, उसके बाद यहाँ पे इनके सानपाड़ा के ऑफिस में विज़िट किया। विज़िट करने के बाद बहुत ही खुशी हुई और उसके बाद हमने साइड विज़िट किया। हम साइड विज़िट में जहाँ जहाँ भी गए काफ़ी अच्छे स्टाफ थे, उनसे बात करके बहुत खुशी हुई और काफ़ी अच्छा लगा, प्लॉट काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग आएँ और प्लॉट विज़िट कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप खरीदिए, एक बार आइए देखिए समझिए फिर आपकी चॉइस है। तो मैं सबसे पहले सभी को यहाँ पे थैंक्स कहना चाहूँगा, जो हमारा एक छोटा सा ड्रीम था वो आज पूरा हुआ है, उसके लिए पूरे ज़मीन वाले जितने भी टीम हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जैसे अभी हमने एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट देखा जो चल रहा है, वहाँ से अभी हम जहाँ पे खड़े यहीं पे ये आपका जो शिवडी नवशा सीलिंक है MTHL मुंबई ट्रांसफर्बर लिंक, इसका एंड पार्ट यानी यहाँ पे ये जंक्शन कर रहा है शिवडी से यहाँ तक, ये चिरले जंक्शन है जहाँ पे हम खड़े हैं। ओके, ये शिवडी नवशा सीलिंग जो बन रहा है ये टोटली 22 किलोमीटर का है, 22 किलोमीटर, इसमें आप पानी में देखोगे तो 16.5 किलोमीटर है और लैंड पे 5.5 किलोमीटर। तो सीलिंग जो बन रहा है, जाहिर सी बात है एयरपोर्ट का जो हमने आपको दिखाया, तो एयरपोर्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है पूरे मुंबई नवी मुंबई का, तो उसका यूज़ सिर्फ नवी मुंबई पनवेल नहीं करेंगे, तो साउथ मुंबई यानी कि आपका शिवडी कुलाबा कलीना चर्चगेट, अगर उन लोगों को आना है एयरपोर्ट के लिए तो पूरी नवी मुंबई घूम के आना पड़ता है। इसलिए ये आप देख सकते हैं सीलिंग का कनेक्टिविटी दिया है वाया सीलिंग, सिर्फ हार्डली 20-25 मिनट्स में साउथ मुंबई वाले यहाँ पे रीच करेंगे एयरपोर्ट के लिए। उसके अलावा अगर आप शिवडी साइड देखोगे तो आपको सीलिंग के जो पिलर है वो चेंबूर फ्रीवे से ऊंचे दिखेंगे, हाइटेड दिखेंगे, क्योंकि वो आगे चल के बांद्रा वर्ली सीलिंग को भी कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वेस्टर्न वाले यानी कि बांद्रा अंधेरी या तो गोरेगांव, उनको भी आना है एयरपोर्ट के लिए तो पूरी नवी मुंबई घूम के आना पड़ता है, उनको तो बहुत दूर है, उतना उनका टाइम भी जाएगा, उनका टाइम वेस्ट होगा। वही वो शिवडी से वाया सीलिंग टू सीलिंग सिर्फ 1 घंटे में, 45 मिनट्स टू 1 घंटे में यहाँ पे रीच करेंगे एयरपोर्ट के लिए। उसके अलावा आप ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, ये एक्चुअली चिरले जंक्शन है, बड़ा जंक्शन करेगा, बटरफ्लाई शेप में रहेगा, ये आपको चारों डायरेक्शन में वे दिए। तो ये जो ब्रिज उतर रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, यही आपका 100 मीटर प्रपोज एक्सप्रेस वे है, गोवा सिंधुदुर्ग हाईवे, ये यही हाईवे हमारे प्लॉट्स के लोकेशन से जाने वाला है, मतलब हमारे प्लॉट्स के नियर बाय से। तो ये कनेक्टिविटी जैसे आपको दिया है गोवा के लिए, उसी तरह इसके बैक साइड में ही लेफ्ट में एक ब्रिज है जो आपका सीधा जाएगा खालापुर टोल नाका, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। ये दो कनेक्टिविटी इसलिए दी है साउथ मुंबई और वेस्टर्न वाले, जिनको गोवा या पुणे जाने का है उनको नवी मुंबई पनवेल घूम के आने की ज़रूरत नहीं है, सीलिंग से ही आके वो यहीं से गोवा के लिए भी जा सकते हैं और वहीं से वो पुणे के लिए भी खालापुर टोल नाका तक रीच कर सकते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने कहा था एयरपोर्ट से हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस पे, उसी तरह सीलिंग से हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे अपने प्लॉट्स चालू होते हैं। तो हमारे जो प्लॉट्स की रेंज है, हाईवे टच प्रॉपर्टी लेते हो कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसे वो कमर्शियल बोल सकते हैं हम, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंज जो है हमारे पास 6 लाख 7 लाख रुपये है और वही आपको बंगलो फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स 2 लाख से 5 लाख तक अवेलेबल है ज़मीन वालों के साथ। तो आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए एक होने वाले स्मार्ट सिटी में, फ्यूचर स्मार्ट सिटी में एक आप इन्वेस्टमेंट करके एक बेनिफिट उठाइए, अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे नवी मुंबई उल्वे द्रोणागिरी डेवलप हुआ है, सिडको ने जो डेवलप किया है, उसी तरह ये पूरा खोपता टाउनशिप डेवलप करने वाला है, 32 विलेज का प्लानिंग है स्मार्ट सिटी का सिडको का, जो आपको सिडको के वेबसाइट पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी अनडेवलपमेंट की वजह से काफ़ी आपके अच्छे खासे बजट में आपको प्लॉट मिल रहा है, आइए इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि ये प्लॉट के रेट कांस्टेंट नहीं रहने वाले हैं, जैसे कि उलवा के रेट हुए उसी तरह ये रेट भी होंगे जल्द से जल्द। अभी जैसे कि उलवा तक लोकल ट्रेन चालू है जो बेलापुर नेरुल से मिलती है, सेंट्रल रेलवे की लोकल है, यही लोकल आपकी कंटिन्यू दिसंबर से चालू होने वाली उरन तक। तो अभी उलवा के आगे रांजनपाड़ा स्टेशन है, रांजनपाड़ा स्टेशन चालू होने वाला है, वो स्टेशन भी हम आगे अभी जाके आगे देखेंगे और स्टेशन के सामने अपने प्लॉट्स कहाँ पे वो भी देखेंगे। उसी तरह रांजनपाड़ा के आगे द्रोणागिरी स्टेशन बनने वाला है उरन के पहले,
तो द्रोणागिरी के भी अपोजिट में कहाँ पे प्लॉट है वो भी हम देखेंगे आगे चल के। थैंक यू। मी आज आमची बुकिंग फाइनल के लिए मध्यंतरी काही दिवसांपूर्वी आम्ही आलेलो, जागा बघून घेतलेली आणि बुकिंग अमाउंट देऊन गेलेलो आणि आज आम्ही आमची फाइनल पेमेंट पूर्ण करतोय। आणि त्या पेमेंट पूर्ण केल्यानंतर आम्हाला जसं जमीनवाल्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांची जी ऑफर होती पैठणी साडी आणि नथ त्या पद्धतीने मला असती मिळाली। थँक्यू। सो फ्रेंड्स, हम अभी आ गए हैं रांझणपाड़ा स्टेशन के पास में। रांझणपाड़ा स्टेशन दिखाने का मकसद ये है कि इससे पहले जो हमने एक वीडियो यहाँ की बनाई थी ज़मीन वाले प्राइवेट लिमिटेड की, जिसमें हमने रांझणपाड़ा स्टेशन आपको दिखाया था। रांझणपाड़ा स्टेशन में उस टाइम का डेवलपमेंट और प्रेजेंट टाइम का डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। आप जो वीडियो चल रही है इसमें देखिए, छोटी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, रांझणपाड़ा स्टेशन का जो इससे पहले का वीडियो बनाया था, प्रेजेंट टाइम का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से देखिए एक दूसरी तरफ, यहाँ पर आपको इंडियन ऑयल दिख रहा है, इंडियन ऑयल टैंक दिखाने का और ये स्टेशन दिखाने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि वहाँ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नियर बाई में यहाँ पे एक प्लॉट है जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस के साथ में दिया जा रहा है, जो कि ज़मीन वाले प्राइवेट लिमिटेड के साथ में ये प्लॉट आपको मिल रहा है। तो इसकी सारी डिटेल जो है अभी महेश बताने वाले हैं आपको। महेश आपको बताएंगे कि इसका यहाँ का एडवांटेज स्टेशन का और यहाँ से जो प्लॉट इसके जो करीब में है उसका क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको महेश अभी बताने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियो ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा। हम रांझणपाड़ा स्टेशन के सामने खड़े हैं, जो स्टेशन का काम चल रहा है और आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, बैक साइड में ये IOT इंडियन ऑयल टैंकिंग का फ्यूल टैंक है। ये नॉन वर्किंग हो चुका है, तलोजा MADC में शिफ्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ बाजू में स्टेशन बन रहा है और स्टेशन के सामने अपने प्लॉट्स है जहाँ पे रेसिडेंशियल U2 जोन R जोन डिक्लेयर हो चुका है, इसलिए ये डिसबर्स होने वाले, ये भी हट जाएंगे। आप अभी रांझणपाड़ा स्टेशन देख सकते हैं, ये पूरा काम जो आपको दिख रहा है स्टेशन पे, जो पत्रे का भी काम चल रहा है, बाहर का प्रीमाइसेस का भी काम चल रहा है। तो ये स्टेशन जो बन रहा है कॉम्प्लेक्स स्टेशन बन रहा है, बट इनको अभी उरन लाइन पूरा चालू होने वाला है दिसंबर जनवरी से, तो स्टेशन चालू करना इसलिए काम करके ले रहे हैं। ये बाहर का जितना भी आपको काम दिख रहा है, जो भी पिलर्स, ये बाहर का जितना भी आपको प्रीमाइसेस में काम दिख रहा है स्टेशन के, ये आगे चल के ऊपर कमर्शियल का कॉम्प्लेक्स का काम होगा, जो टोटली ये स्टेशन सिमिलर वाशी बेलापुर जैसा बनने वाला है, एक कॉम्प्लेक्स स्टेशन। ओके, और रांझणपाड़ा स्टेशन के सामने हार्डली 1 किलोमीटर से अपने प्लॉट्स चालू होते हैं। जो प्लॉट्स की रेंज है यहाँ पे पूरा कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों प्लॉट्स अवेलेबल है, जो कि कमर्शियल के प्लॉट स्टेशन के सामने आपको 6 लाख 7 लाख में मिल जाएंगे और रेजिडेंशियल के 5 लाख 4 लाख में मिल जाएंगे। तो यही बेनिफिट है, अभी अनडेवलपमेंट है तो आप ले सकते हो। और स्टेशन के एग्जैक्ट बैक साइड में नवी मुंबई SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर हो चुका है, सेक्टर भी गिर चुके हैं। जैसा आप BKC देख रहे हो एट प्रेजेंट, अभी मुंबई में खड़ा है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, उसी तरह स्टेशन के बैक साइड में सेज डिक्लेयर हो चुका है, BKC जैसा कमर्शियल पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आने वाला है। दोस्तों, रांझणपाड़ा स्टेशन दिखाने का यही मोटिव था कि रांझणपाड़ा स्टेशन से स्टेशन के एग्जैक्ट सामने काफ़ी नज़दीक हमारे प्लॉट्स अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं कि अनडेवलपमेंट के पहले आपको कनेक्टिविटी मिल रहा है और इतने कम रेट में स्टेशन के सामने आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं। जैसे कि आपने उल्वा सिटी देखा पीछे, उल्वा सिटी डेवलप होने के बाद वहाँ पे स्टेशन्स बने, जैसे कि उल्वा सिटी में 2 स्टेशन आते हैं, बामन डोगरी खारकोपर, लेकिन लोग काफ़ी सारे लोग कनेक्टिविटी के पहले रहने आ गए और बाद में कनेक्टिविटी मिला है। लेकिन अगर आप देखोगे तो रांझणपाड़ा स्टेशन के सामने ज़मीन प्राइवेट लिमिटेड आपको स्टेशन के एग्जैक्ट सामने काफ़ी सस्ते में प्लॉट्स दे रहा है एकदम नज़दीक, जो स्टेशन बन चुका है और दिसंबर जनवरी से चालू हो रहा है। और एक बार ये स्टेशन अगर चालू हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि आगे आपके जो स्टेशन के सामने वाले हमारे प्लॉट्स है जो हम सेल कर रहे हैं उसके रेट कितने इंक्रीज होने वाले हैं। आई एम मुश्ताक अहमद, आई हैव कम इन जमीन वाला टू परचेज सम लैंड एंड देयर आई गॉट वेरी गुड हेल्प फ्रॉम द स्टाफ एंड एवरीबॉडी एंड व्हाट वी से इन रीजनेबल रेट एंड वेरी गुड लोकेशन and I'm quite satisfied with their services. Thank you. जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रिज पे से आपको प्लॉट दिखाऊंगा जो स्टेशन के एकदम नज़दीक वाले प्लॉट्स है, तो आप देख सकते हैं मैं ब्रिज पे खड़ा हूँ और मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं रांझणपाड़ा रेलवे स्टेशन। ओके, जो कि कॉम्प्लेक्स स्टेशन बन रहा है और स्टेशन के बाजू में ही IOT टैंक्स भी आपको दिखेंगी, इंडियन ऑयल टैंकिंग। ओके, तो स्टेशन जो बनेगा ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पूरी तरह कॉम्प्लेक्स स्टेशन बन रहा है, नीचे रेलवे लाइन रहेगी और ऊपर कमर्शियल कॉर्पोरेट लेवल के ऑफिसेज रहेंगे। ओके, और स्टेशन के बैक साइड में सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर हो चुका है और बीच साइड में IOT टैंक भी आपको दिख रही रहेगी। ये IOT टैंक भी डिस्क्लोज होने वाली है, ये नॉन वर्किंग हो चुकी है। ओके, और स्टेशन के सामने प्लॉट्स, हमारे प्लॉट्स कहाँ पे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे लेफ्ट साइड में, मतलब स्टेशन के एग्जैक्ट सामने अपोजिट में मेरे प्लॉट्स जमीन वालों के प्लॉट्स अवेलेबल है, जमीन प्राइवेट लिमिटेड जो प्लॉट सेल कर रहे हैं स्टेशन के सामने, आपके सामने जो आपको प्लॉट्स दिख रहे हैं।
ओके ये पूरा एरिया पूरा टोटली कमर्शियल एरिया होने वाला है, जैसे कि आप वाशी स्टेशन बेलापुर स्टेशन के आजू बाजू में देखते हो पूरी तरह रेजिडेंशियल आपको कहीं पे भी नहीं मिलता है, उसी तरह ये कमर्शियल बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे मैंने सीलिंग से बताया था जो आपको नेशनल 100 मीटर प्रपोज हाईवे मिलने वाला है, नेशनल हाईवे, वो आप देख सकते हैं डायरेक्ट सामने वाले प्लॉट्स में हमारे वो उस प्लॉट से वो पास होने वाला है। तो उसके आजू बाजू मतलब एक बनने वाले नेशनल हाईवे के आजू बाजू आप प्रॉपर्टी प्लॉट्स लेने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है आप मतलब सोच सकते हो कि जब ये हाईवे बनेगा तब आपको प्लॉट की रेंज और अभी जो रेट में आपको प्लॉट मिल रहे हैं उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस रहेगा। तो आप जल्द से जल्द ज़मीन प्राइवेट लिमिटेड में आइए और जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्ट कीजिए और आपका ड्रीम प्लॉट चूज़ कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स आपने सुना महेश को और महेश बता रहे थे यहाँ ब्रिज के ऊपर से आपको रंजनपाड़ा स्टेशन और उन्होंने दिखाया आपको प्लॉट। तो अभी हम एग्जैक्टली चलते हैं प्लॉट के ऊपर में, आपको प्लॉट का साइज़ दिखाते हैं, कहाँ पे प्लॉट अवेलेबल है, वहाँ से आपको क्या एडवांटेज मिलने वाला है, कैसा बेहतरीन प्लॉट है। तो बने रहिए, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, हम चलते हैं अभी प्लॉट के ऊपर। जैसे मैंने आपको रंजनपाड़ा स्टेशन के सामने से प्लॉट दिखाया था, अभी आप देख सकते हैं हम एग्जैक्ट प्लॉट में आ चुके हैं। यहाँ पे ज़मीन प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट सेल कर रहे हैं और ये प्लॉट का बेनिफिट यही है, आप एडवांटेज देख सकते हैं कि ये जो आपको हिल दिख रहा है ये हिल के बी साइड में ही, ये हिल को लग के रिलायंस का ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा है, रिलायंस का सिंगापुर सिटी। और हमारे प्लॉट से 2 से 3 किलोमीटर पे द्रोणागिरी सिटी डेवलप हो चुका है जो रिसेंटली डेवलप किया सिडको ने। और यहाँ का भी बेनिफिट देख सकते हैं, तो ये भी स्मार्ट सिटी में सैंक्शन प्लान में आ चुका है ये भी प्लॉट्स। तो जाहिर सी बात है कि जैसे अपने पास रंजनपाड़ा के लोकेशन है ऐसे ही अपने पास बहुत से मल्टीपल लोकेशंस भी अवेलेबल है, मल्टीपल प्लॉट्स अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया था कमर्शियल बंगलो फार्म हाउस प्लॉट इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स और रेसिडेंशियल प्लॉट्स। तो देखिए अधिक जानकारी के लिए वीडियो में मैं तो आपको पूरी डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप जल्द से जल्द ऑफिस विजिट कीजिए। हमारे दो ऑफिस एड्रेसेस है, एक मुंबई का ऑफिस है और एक नई मुंबई का ऑफिस है, दोनों एड्रेस आपको नीचे मेंशन मिलेंगे। तो जल्द से जल्द ऑफिस विजिट कीजिए तो हमारे स्टाफ एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव और पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर्स आपको पूरी तरह डिटेल में गाइड करेंगे। और ज़मीन प्राइवेट लिमिटेड में एक अलग से लीगल टीम भी काम करती है जो आपको पूरी तरह लीगल का भी जो भी डाउट्स रहेंगे वो भी क्लियर करवा देंगे। तो आप जल्द से जल्द ऑफिस विजिट कीजिए और एक फ्यूचर बेनिफिट में मिलने वाला जो भी आपको एक बेनिफिट है, फ्यूचर में मिलने वाला बेनिफिट, उसका आप फ़ायदा उठाइए।